नमस्ते दोस्तों, इस वक्त मैं आपको जोधपुर के खास जगह जो कि यहाँ की बहुत ही पुरानी जगह है वो है टूर जी की बावड़ी। मैं इसका पूरा वीडियो शूट कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है जिसको मैं पूरी तरीके से शूट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत 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 अच्छा लगेगा। इतिहास के अनुसार जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की महारानी तवर उर्फ तूर रानी ने सन 1740 में बावड़ी यानी झालरा बनवाया था, जिसके कारण उसका नाम तुरजी का झालरा पड़ा। राजस्थान में अक्सर कुएं होते हैं और कुएं के साथ साथ में बावड़ी कही जाती है। बावड़ी बहुत ही पुरानी और सही भाषा में कहूँ तो आपको मारवाड़ी में ये शब्द है जिसे बावड़ी कहा जाता है। बावड़ी यानी कि स्टेयरकेस होते हैं, स्टेयरकेस से नीचे उतर के आपको एक कुआं मिलता है जिसमें से आप पानी भर के लेके जा सकते हो। पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल हुआ करता था, इसे बावड़ी कहते हैं और यही एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जोधपुर में मौजूद है। तो मैंने सोचा कि इसे भी शूट करके आप सबको दिखाऊँ और बताऊँ कि कुएं और बावड़ी में क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। छोटे छोटे स्टेयर कैसे जिसे उतर के आप नीचे जा सकते हो और पानी भर के फिर ऊपर आ सकते हो। फिलहाल आज के ज़माने में इसका कोई यूज़ नहीं है, आज के ज़माने में सिर्फ एक दार्शनिक स्थल है, एक अच्छी सी जगह है जिसे आप खड़े होकर फोटोग्राफी कर सकते हो, और पुराने ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती थी पानी भरने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी इससे मैं रूबरू कराऊँ और आपको ये जगह बहुत अच्छी लगेगी।
इस वक्त मैं आपको टूर जी की बावड़ी पे मौजूद ओपन हाउस रेस्टोरेंट है जहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू है टूर जी की बावड़ी का, मैं आपको वहाँ पे लेके जा रहा हूँ जहाँ से बहुत ही अच्छा सीनिक ब्यूटी है। और पता नहीं मुझे क्या मिलता है वहाँ पे खाने के लिए, बट बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे बैठ के कुछ खाया जाए। तो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे खाने के लिए क्या अच्छा मिलता है और वहाँ पे बैठ के टूर जी की बावड़ी का क्या व्यू है ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ ओपन हाउस रेस्टोरेंट, ओपन हाउस नाम है इसका। मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि किस तरह से दिखता है, इसका साइन बोर्ड किस तरीके से है। ये देखिए इसका साइन बोर्ड है ओपन हाउस रेस्टोरेंट, जो कि ठीक टूर जी की बावड़ी के सामने है। मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ और वहाँ से आपको इसका व्यू भी दिखाता हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं जो बावड़ी के यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ पे ओपन हाउस रेस्टोरेंट करके एक जगह है जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त। मैं सच मायने में कहूँ तो मैं खुद राजस्थानी होकर भी कई बार राजस्थान में मैं इतना घूम नहीं पाया हूँ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो मैं राजस्थान को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर किया है। लेकिन मैंने एवरी ईयर में नाकोड़ा जी आता हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नाकोड़ा जी आने के लिए फालना पे ना उतर के मैं जोधपुर उतरूँ और जोधपुर से उतर के मैं जोधपुर को पूरा एक्सप्लोर करूँ। और जहाँ तक मैंने जोधपुर को एक्सप्लोर किया, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए, आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं जोधपुर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में जहाँ तक मैंने समझा है, जोधपुर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे लग्जरी से लग्जरी प्रॉपर्टी है, महंगी से महंगे रेस्टोरेंट है। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपको कहूँ तो यहाँ पे उमेद भवन और उसके जैसी कई यहाँ प्रॉपर्टी यहाँ पे 3-3 लाख रुपये के रूम पर नाइट के हैं। तो अगर आप जब कभी भी जोधपुर आए तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर एक बार राजस्थान में कहीं और गए न गए हो, लेकिन जोधपुर ज़रूर आए, क्योंकि जोधपुर अपने आप में एक ऐतिहासिक राजस्थान की सिटी है जहाँ पे आपको ब्यूटीफुल पैलेसेस, बहुत ही पुराने मंदिर, समाधियाँ और ऐसे अजीबोगरीब ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस मिलेगी कि आप उसे देख के स्तब्ध रह जाएंगे। और साथ ही आज के ज़माने में ये बहुत ही डेवलप सिटी भी हो चुकी है। ऐसा नहीं कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस के मायनों में आप यहाँ पे आके खाली हिस्ट्री ही को देखेंगे, साथ में पुराने ज़माने के साथ साथ नए ज़माने के सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब पिज़्ज़ा हट से लेके शॉपिंग से लेके स्वीट्स से लेके, आपको एक और बार बता दूँ जोधपुर के बारे में कि पूरे इंडिया में सबसे फेमस, अगर कहीं सबसे टेस्ट में बेहतरीन से बेहतरीन अगर कोई स्वीट्स आपको मिलती है या आपको नमकीन कहीं मिलता है तो वो जोधपुर का नमकीन है। जोधपुर में वैसे तो स्वीट्स की कई दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे फेमस दुकान अगर कोई है स्वीट्स के मायनों में तो वो है जोधपुर स्वीट्स। और दूसरा, अगर नमकीन के लिए अगर आपको कोई जगह यहाँ पे जाना है नमकीन परचेज करने के लिए तो वह चंद्र विलास नमकीन। बॉम्बे में, मुंबई में हम अगर इंडिया के किसी भी कोने में चला जाए तो स्वीट्स में आपको इतनी वैरायटी और वो टेस्ट नहीं मिल पाएगा, नमकीन में आपको वो टेस्ट नहीं मिल पाएगा, वो वैरायटी नहीं मिल पाएगी जितनी वैरायटी नमकीन में यहाँ पे है, जितनी वैरायटी स्वीट्स में यहाँ पे है। और उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर, उसका
सब कुछ, मतलब मैं यकीन मानो दोस्तों, मैंने कई बार जोधपुर की स्वीट्स खाई है और इस बार पहली बार ऐसी घटना घटी है कि मैं खुद जोधपुर में हूँ, तो मैं आपको शाम को यहाँ पे जब जोधपुर स्वीट्स में जाऊँगा तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से, फीनी, गुलाब जामुन, घेवर, रबड़ी घेवर, काफ़ी सारी चीज़ें जो है कि बहुत ही टेस्टी टेस्टी स्वीट्स मैं खरीदी करने वाला हूँ और आप सबको भी उसके मैं वीडियो शूट करके दिखाऊंगा, प्राइजेस दिखाऊंगा। तो दोस्तों जब कभी भी आप जोधपुर आओ या नाकोड़ा जी के लिए अगर कोई प्लान करते हो, अगर आप जैन हो या नॉन जैन हो या कोई भी हो, एक्स वाई जेड हो, अगर राजस्थान प्लान करते हो तो जोधपुर जरूर आइए। यहाँ के जोधपुर स्वीट्स से स्वीट्स जरूर खरीदिए, चंद्रविलास से आप नमकीन जरूर खरीदिए और यहाँ की सारी हिस्टोरिकल प्लेस को जरूर घूमिए, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ राजस्थान हिंदुस्तान की एक नाक है, हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट पेड अगर टूरिज्म स्पॉट अगर कोई है तो वो राजस्थान है। अगर आपने हिंदुस्तान में आके राजस्थान नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों जोधपुर में मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध दुकानों में से एक दुकान है जोधपुर स्वीट्स और दूसरी है जनता स्वीट्स। तो इस वक्त मैं मिठाई की ख़रीदारी के लिए आया हूँ सीधे जनता स्वीट होम में, जो कि स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत ही नज़दीक है। इस वक्त मैं जनता स्वीट्स में जाके सारी मिठाइयाँ खरीदने वाला हूँ। दोस्तों यकीन मानिए सारी की सारी मिठाइयाँ यहाँ प्योर घी में, शुद्ध घी में बनती है और ताज़ा बनती है। खुद दुकान के ओनर ने मुझे अटेंड किया मिठाई दिलवाने के लिए, उन्होंने सारी मिठाइयाँ मुझे टेस्ट कराई और यकीन मानिए जोधपुर के लोग अपने आप में मेहमान नवाजी के लिए बहुत ही मशहूर है, उनके मनोहर बहुत ही ज़बरदस्त है। करीब करीब सैंपल के तौर पे उन्होंने मुझे 250 ग्राम अलग अलग मिठाइयाँ खिला दी। दोस्तों मिठाई मैं लेने के लिए आया था 2-3 किलो, लेकिन यकीन मानिए मैं जैसे जैसे टेस्ट करते गया मैं अपने आप को रोक नहीं सका और सारी डाइट को एक तरफ करते हुए मैंने करीब करीब यहाँ से 12 किलो मिठाई खरीदी है। और दूसरे मुद्दे की बात, 12 किलो मिठाई के दाम मैंने करीब करीब वहाँ पे 3,400 रुपये दिए है। सारी शुद्ध घी की मिठाई 3,400 रुपये में, जो कि आपको सिवाय जोधपुर के इतने कम दाम में कहीं पर भी नहीं मिल सकती। तो आप जब कभी भी जोधपुर आए तो जनता स्वीट्स में आके मिठाइयाँ ज़रूर खरीदें।